सरकार के माफिया के खिलाफ चल रहे अभियान के विरोध में बीजेपी 24 जनवरी को पूरे प्रदेश में आंदोलन करने जा रही है। भाजपा कार्यालय में हुई बैठक में इस आंदोलन की रणनीति तैयार की गई। संगठन ने सभी सांसद, विधायक और जिला अध्यक्षों को उन कांग्रेस नेताओं की सूची बनाने का जिम्मा सौंपा है जिन्होंने अतिक्रमण किया है। नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि सरकार ढूंढ ढूंढ कर पार्टी से जुड़े नेताओं को टारगेट कर रही है। शिकायत करने के बाद भी माफियाओं पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं इस मामले में पूर्व सीएम शिवराज ने कहा कि माफिया के नाम पर जनता और बीजेपी कार्यकर्ता निशाना बनाए जा रहे हैं। सच बोलने वाले को झूठे केसों में फंसाने की बात कही जा रही है। शिवराज ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता रसगुल्ले नहीं है जो खा जाओगे। बीजेपी के कार्यकर्ता फिलिक्स पक्षी की तरह राख के ढेर में से खड़े हो जाएंगे और कमलनाथ सरकार के अत्याचार और पाप की लंका को जला देंगे। सूची दे रहा हूँ, सूची ऐसे लोग, मैंने कल इंदौर कलेक्टर को भी बताया था, कमिश्नर को, आकाश त्रिपाठी जी को, एक माफिया के बारे में जिसने 7,000 करोड़ रुपये की संपत्ति इकट्ठी करके रखी है, उसको कोई कार्रवाई नहीं। ऐसी दर्जनों लोग हैं जिनके बारे में बता सकता हूँ कि इस प्रकार के छीन छीन के और पहचान पहचान करके एक पार्टी विशेष के लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है, कांग्रेस के लोगों को। सर कोई नाम सार्वजनिक करेंगे सर आप जो 7,000? मैं दर्जन नाम पूरी सूची दे दूंगा ऐसे सैकड़ों। माफियाओं के नाम पर जनता और भाजपा कार्यकर्ता निशाने बनाए जा रहे हैं। अगर कोई सच्ची बात उठाता है तो गंदे केसों में भी फंसाने की राजनीति हो रही है। मकान गिरा दो, होटल गिरा दो, भाजपा के कार्यकर्ताओं को दबा और बर्बाद कर दो। हम रसगुल्ले नहीं जो खा जाओगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता फिनिक्स पक्षी की तरह राख के ढेर में से खड़े हो जाएंगे और कमलनाथ सरकार के अत्याचार और पाप की लंका को जला के राख कर देंगे।